हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रफ्तार, लोका और कृष्णा के बारे में। तो रफ्तार एंड लोका के बीच कुछ स्टोरीज में अनबन होती है, जिसके बाद से कृष्णा जो है वो कुछ ट्वीट करते हैं जो कि इनडायरेक्टली लोका के लिए ही थे। तो सबसे पहले लोका की स्टोरी आप लोग देख सकते हो। सेव दिस पोस्ट, शेयर दिस पोस्ट एंड लेट एवरीबडी नो कि बारिश नहीं आए तो क्या हुआ, भीगी यादें तो अब भी है। तो इनडायरेक्टली लोका इसमें रफ्तार को पोक करते हैं उनकी बारिश ईपी के लिए। इसके बाद से रफ्तार की तरफ से भी एक इनडायरेक्ट रिप्लाई आता है जिसमें वो लिखता है असली है, और नीचे आप लोग गूची देख सकते हो। फिर कुछ लाइंस लिखते हैं रफ्तार, बारिश आसमान से राग मल्हार करने पे आती है, आंखें तो मम्मी की चप्पल भी भिगा देती है। तो इसके बाद से लोका फिर से स्टोरी डालते हैं और लिखते हैं रिलीज डिले किया मैंने तो हाइप मिलेगा, अंकल हमेशा मारा मारी की ही बात करते हो आप, एक जैसा कैप्शन डालता हूँ उसके पीछे डरावना म्यूजिक ऐड करता हूँ, शायद लोका डर जाए। तो ये मैंने आप लोग को 15 घंटे पहले की स्टोरी बताई। अभी 2 घंटे पहले लोका ने एक और स्टोरी डाली है, उसमें लिखा है जो लोग मुझे नकली बोल रहे हैं वो लोग खुद ज्योतिष बाबा के पास अपना रिलीज डेट पता करने जाते हैं। तो ये चीजें रफ्तार एंड लोका के बीच जब चल रही थी तो कृष्णा की तरफ से एक ट्वीट आता है और उसमें वो लिखता है डाइंग टू सी द एनर्जी आई गेट फ्रॉम सम ऑफ दीज रैप क्लाउन्स इन रियल लाइफ। अभी 1 घंटे पहले कृष्णा कुछ ऐसा लिखता है सम ऑफ दीज हिप हॉप मीम पेजेस स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लुकिंग रियल सस राइट नाउ दे आस्क यू टू डू समथिंग फॉर देम एंड इफ यू डोंट डू इट दे टर्न इन टू द ऑप्स। इसे कहते हैं इंटाइटलमेंट। तो रफ्तार की बात हो ही रही है तो रफ्तार के गाने का शूट भी डन हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं एमसी स्टैन के बारे में। तो एमसी स्टैन का जो प्रोफाइल है इंस्टा प्रोफाइल, उस पर आप लोग चेक करोगे तो वहाँ पे एक अकाउंट टैग किया उन्होंने जो कि है हिंदी रिकॉर्ड्स। और जब अपन वो अकाउंट खोलते हैं तो CEO एमसी स्टैन, तो ये एमसी स्टैन का ही लेबल है। और आगे जो ट्रैक्स देखने को मिलेंगे एमसी स्टैन के वो हिंदी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट्स ही होने वाला है। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो जैसे कि प्रिडिक्ट करा जा रहा था कि सिद्धू मूसेवाला कुछ बड़ी चीज़ लेके आने वाला है, और ऐसा लग रहा था कि ड्रेक के साथ ट्रैक देखने को मिलने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने उनकी एल्बम अनाउंस कर दिया जिसका नेम है मूसे टेप, और यहाँ पे आप लोग इसका पोस्टर देख सकते हो। 25 गाने होने वाले इस एल्बम में, और अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि इसमें डिवाइन और सिकंदर कालो के साथ ट्रैक देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इस एल्बम के बारे में और कुछ पता चलता है मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो अगली खबर जो है वो 47 की साइड से है। तो 47 का जो नेक्स्ट ट्रैक होने वाला है उसका भी शूट चल रहा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं रैपिंग मशीन के बारे में। तो रैपिंग मशीन से पूछा जाता है कि रागा एक्स रैपिंग मशीन देखने को मिलेगा क्या, तो उसका वो रिप्लाई करता है आई डू एंड आई विल वन डे कोलैबोरेट विथ हिम, रागा एक्स रैपिंग मशीन इज द ड्रीम कोलैबोरेशन दैट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इवन ही नोज दैट। तो अब बात कर लेते हैं डिवाइन और राजा कुमारी के बारे में। तो डिवाइन एंड राजा कुमारी दोनों ने ही एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से, और आप लोग अभी सर्च करोगे तो नो यूजर्स फाउंड आने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं राइको के बारे में। तो राइको का एक ट्रैक ड्रॉप हुआ है जिसका नाम है शिव शंभू, और ये म्यूजिक वीडियो के साथ देखने को मिलेगा। तो आप लोग चाहो तो जाके चेक कर सकते हो, महाशिवरात्रि स्पेशल ट्रैक है ये। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।